अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक जॉब्स एंड नॉलेज हब में आप लोगों को शामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलिट्री एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही शानदार जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को गुजारिश है कि मेरे चैनल पाक जॉब्स एंड नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को नई आने वाली जॉब्स की अपडेट मिल सकें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, ये तो है एड्स, मिलिट्री एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट में जॉब नहीं है, उसका एड ये है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट पहले नंबर पे है, नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोटाइपस, ये 14वें स्केल की जॉब है, जिसकी 8 सीट्स हैं, जिसके लिए रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट है। इसके लिए टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं। इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 साल है, और 5 साल इसमें जनरल रिलैक्सेशन एज दी गई है, यानी कि 25 साल से आगे 5 साल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है वो एसटीयू की है, ये 11वें स्केल की पोस्ट है, इसमें 6 सीट्स हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न यानी कि डिग्री ग्रेजुएशन में आपके पास होनी चाहिए, 18 से 25 साल एज है, और इसमें भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है एसटी मैन, ये 11वें स्केल की पोस्ट है, इसकी 7 सीटें हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, विद 3 ईयर डिप्लोमा इन सर्विंग एंड ड्राफ्ट मैन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सर्विंग एंड ड्राफ्ट मैन का, किसी गवर्नमेंट के इदारे से हाकसुजा या इदारा हो गवर्नमेंट से, उससे आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर सिविल DAE फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास या तो मैट्रिक एजुकेशन है तो आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सर्वे का, अगर आपके मैट्रिक नहीं तो आपने मैट्रिक के बाद जो DAE हो वो आपके पास 3 साल डिग्री होनी चाहिए, तो आप लोग एसडी मैन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 साल, 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है। उसके बाद चौथे नंबर पर UDC है, ये अपर डिवीज़न क्लर्क भी कहते हैं, इसकी 16 सीट हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न मांगा गया है, और 18 से 25 साल की एज है। उसके बाद 5वें नंबर पर 16 सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो LDC की हैं, ये 27 सीट हैं LDC की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की। UDC की अपर डिवीज़न की 16 हैं, लोअर डिवीज़न की 27 सीट हैं। इसके लिए मैट्रिक मांगा गया है सेकंड डिवीज़न, और साथ 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो फिर आप लोग इसमें कामयाबी से यानी कि टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी एज 18 से 25 साल है, तो 18 से 25 साल प्लस 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज 18 से 25 या 5 साल रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। तो उस अप्लाई का तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने ये इनकी एक वेबसाइट है ऑनलाइन UTS, ये UTS टेस्टिंग सर्विस है, उसमें उसके ज़रिए से आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। वहाँ से आप लोगों ने इसके फॉर्म डाउनलोड करने हैं और फ़ीस बैंक में जमा करानी है। इसकी कुछ फ़ीस है 240 रुपये, वो फ़ीस आप लोगों ने बैंक में जमा करवाने के बाद इनका जो एड्रेस नीचे दिया गया है उस एड्रेस पे आप लोगों ने सेंड करने हैं। मैं आप लोगों को वो वेबसाइट भी ओपन करके दिखाता हूँ वो फॉर्म कौन से है। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली गूगल पे जाना है। दोस्तों, गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर UTS लिखना है, गूगल पे UTS लिखने के बाद आप लोग इंटर करेंगे, ये टॉप पे ये UTS वेबसाइट आपके पास लिंक होगा वो ओपन हो जाएगी, ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। ये सबसे ऊपर इन पर मिलिट्री लैंड रिकॉर्ड कंटोनमेंट MLC ये जॉब्स हैं, इसके में इसमें अप्लाई की लास्ट डेट 11/5/2020 यानी कि 11 मई 2020 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे इसमें फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म देने के लिए आप लोगों ने ये इस लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई क्लिक हेयर पे, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म है इनका वो अप्लाई करने का तरीका कार इसमें दिया गया है कि आप लोग इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं आप लोग इस लिंक से। और इसका जो फॉर्म है जो यानी कि जिस फॉर्म को फिल करके आप लोगों ने भेजना है वो निचले वाले अप्लाई मैनुअल फॉर्म पर आएंगे, तो वहाँ से आप लोग इसका फॉर्म मिल जाएगा PDF फाइल में। ये इसका फॉर्म आपके सामने है, इसमें ये पोस्ट जो दी गई है इस आप स्टेनोटाइपिस ST मैन LDC STU नॉन टेक्निकल और UDC, हर पोस्ट मेंशन है यहाँ पे। आप लोगों ने जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है उस पोस्ट पे आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर देना है। इधर आपने एक तस्वीर अपनी अटैच करनी है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। अब नीचे आप लोगों ने जिस सिटी में आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, इन जो 6 सिटी दी गई हैं इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, हैदराबाद, इनमें जहाँ भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करना है। नीचे आपने अपना प्रोफेशन डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस सूबे का है, पंजाब का या इस्लामाबाद का, KP की, सिंध, रूरल सिंध, अर्बन, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान,
आपका डोमिसाइल जिस भी सूबे का वो आप लोगों ने यहाँ पर टिक कर देना है। नीचे आप लोगों ने अपना नेम, फादर नेम, आईडी कार्ड, जेंडर, मेल फीमेल, अपना डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो लिखनी है, यस अगर नहीं तो नो लिखेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, रिलीजन, आप लोगों ने यहाँ पे अपना पर्सनल डाटा सारा टिक कर देना है जो भी आपका है। अगर आप लोग किसी सर्वेंट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए यस, अगर नहीं तो नो। अगर आप रिटायर्ड किसी आर्म फोर्सेज से रिटायर्ड हैं वो उसका बारे में आप लिखना है। अगर रिटायर्ड हैं तो यस, नहीं तो नो लिखें। दोस्तों नीचे आप लोगों ने अपनी डिग्री मेंशन कर देनी है, मैट्रिक की और इंटरमीडिएट डिप्लोमा अगर आपके पास है। अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री है तो जो भी आपकी डिग्री है वो सब आप लोगों ने इधर लिख के आगे इसके मार्क्स लिख देने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई रेलिवेंट रिकॉर्ड है किसी अदारे का वो लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने अंडरटेकिंग एप्लीकेशन में नाम, अपने वालिद का नाम, यहाँ डेट लिखने के बाद आगे एप्लीकेशन के आगे यहाँ पर आप लोगों ने साइन कर देने हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल है ना प्रॉपरली कम्प्लीट फिल करना है। कोई भी इसमें कॉलम आपने ब्लैंक या खाली नहीं छोड़ना है। इसमें आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन पूछी वो करेक्ट लिखनी है। अपने आईडी कार्ड की कॉपी यहाँ अटैच अटैच करनी है और यहाँ पे आप लोगों ने एक पिक्चर अटैच करनी है। तो लास्ट डेट दोस्तों इसमें 11 मई 2020 है और इसमें आप लोगों ने लास्ट पे इसका चलान फॉर्म दिया गया है। चलान फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों ने एक फ़ी है 240 रुपये, ये आप लोगों ने अपना नाम और आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद ये बैंक में एचबीएल बैंक या एक बैंक यूबीएल है, एचबीएल या यूबीएल दोनों किसी एक बैंक में जमा करवानी है। करवाने के बाद ये इसी फॉर्म के साथ अटैचमेंट करने के बाद आप लोगों ने ये फॉर्म सेंड कर देने हैं मैनेजर ऑपरेशन यूनिवर्सल टेस्टिंग यूटीएस 278B मेन निज़ामुद्दीन रोड, ये इस्लामाबाद का एड्रेस है। इस एड्रेस पे आप लोगों ने अपने फॉर्म सेंड कर देने हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आप लोग इसे फिल करें और चलान फॉर्म बैंक में जमा करवाएं। जिस पोस्ट पे आप लोगों ने अप्लाई करना है ये पोस्टें ऊपर दी गई हैं, 4 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स हैं जो LDC की हैं, उसके बाद UDC की हैं। आप लोग जिस सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू वीडियो अपडेट के बारे में पता चल सके।